कन्या राशि 2 नवंबर 3 नवंबर 4 नवंबर से विधाता का खेल शुरू हो जाएगा। तमाम तरह की दिक्कतों से मिलेगी मुक्ति। आ चुका है आपकी खुशियों का समय। आपको बता दूं, शनि देव 4 नवंबर को मार्गी हो रहे, उससे पहले शनि देव कर्मफलदाता आपके साथ न्याय करना शुरू कर देंगे 2 नवंबर से। शनि देव के मार्गी होते ही कन्या राशि के सभी जातकों के किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे चारों तरफ से। बिजनेस नौकरी में तरक्की की राह पर आ रही अड़चनें खत्म हो जाएंगी। आर्थिक लाभ के अच्छे योग बनेंगे। आपको बता दूं, कन्या राशि के सभी जातकों के लिए शनि देव छठे भाव में मार्गी होने जा रहे। छठा भाव आपके समूल शत्रुओं का संहार करने आ चुका है। इस भाव में नौकरी और शत्रु का विचार किया जाता है, यानी तमाम तरह की बिजनेस नौकरी में आ रही अड़चनों को शनि न्याय के दाता न्याय करेंगे आपके साथ। जितने भी शत्रुओं ने आपको खून के आंसू रुलाया था, उन शत्रुओं का संहार करेंगे। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव, द्वादश भाव और तीसरे भाव पर होगी, यानी कन्या राशि के जातकों के लिए शनि देव का मार्गी होना वरदान लेकर आ रहा है। 4 नवंबर का इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तमाम तरह के सपनों को पूर्ण करने आ रहे हैं शनि देव। आपकी नौकरी में आपको मान सम्मान प्राप्त कराएंगे। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। कार्य के सिलसिले में आपके विदेश यात्राएं होंगी। आपको कई प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी। आप सौभाग्य की प्राप्ति कर पाएंगे। मित्रों, शनि देव जब मार्गी होंगे तो ज्योतिषी की दृष्टि से आप पर किया गया तंत्र मंत्र, बुरी दशाएं, गूढ़ विद्याएं, जितना भी आपके शत्रुओं ने आप पर किया था, वो सब जादू टोना खत्म हो जाएगा। सभी जातकों को सफलताएं मिलेंगी। शनि के मार्गी होने से कन्या राशि के जातकों को अचानक कोई बड़ी धन की प्राप्ति होगी। इस समय शनिदेव की कृपा से अपने शत्रुओं का संपूर्ण नाश करने में आप पूरी तरह समर्थ होंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में बुलंदियों पर होगा आपका भाग्य। शनिदेव के मार्गी होते ही साहस पराक्रम में 4 गुना बढ़ोतरी, आपकी कंपनी को निवेश प्राप्त होगा। कुल मिलाकर शनिदेव का मार्गी कन्या राशि के भाग्य को परिवर्तित कर देगा।